कोई नहीं उसका ऊपर वाला है, ये कहावत आपने सुनी होगी। और अब ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड का ये सुपरस्टार अब बस ऊपर वाले के सहारे है। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं नेक्स्ट आई न्यूज और मैं हूँ आपके साथ नैन्सी। हम यहाँ पर एक ऐसे सुपरस्टार का जिक्र कर रहे हैं जिसका नाम जान के आप सभी हैरान हो जाएंगे कि ये सुपरस्टार दोबारा से मुश्किलों में कैसे फंस गया। यकीनन हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं दबंग सलमान खान को लेकर। बॉलीवुड इंडस्ट्री में सलमान की एक ऐसी पहचान है जो किसी भी यहाँ पर पहचान के वो मोहताज नहीं है। उन्होंने अपनी जिंदगी में खूब स्ट्रगल किया, उस मुकाम को भी हासिल किया और आज भी कुछ नया करने की तलाश उनके जहन में है। ऐसे में कहा ये जाता है कि कहीं ना कहीं सलमान खान अब जो है उनकी किस्मत का सिक्का नहीं चल रहा है, यानी कि मुश्किलों में वो है, बुरा वक्त उनका आ गया है। ये आप सभी जानते हैं कि सलमान खान जो है कहीं ना कहीं नच बलिए जो उनका सीजन 9 है उसके प्रोड्यूसर हैं। वो शो जो है वो खुद इस शो को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऐसे में ये जो शो है इस शो की टीआरपी वो नहीं आ पा रही है जिस टीआरपी की तलाश वो कर रहे थे। अब ऐसे में यहाँ पर सलमान खान ने नन्हे बच्चों से स्टेज पर कुरान को पढ़ाया और कहीं ना कहीं उन बच्चों ने कुरान को पढ़ा भी और ऐसे में अल्लाह का जिक्र भी किया और अल्लाह से दुआएं भी की। कहते हैं कि जब इंसान चारों तरफ से हार जाता है तब उसका सर सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले के सामने झुकता है। आंखों से आंसू भी निकलते हैं, तमाम सवाल भी जहन में होते हैं, मगर वो विश्वास की किरण भी रहती है। ऐसा ही कुछ सलमान के साथ भी हुआ जब सलमान खान ने नन्हे बच्चों से कुरान को पढ़वाया और उसके बाद अपने शो की तरक्की के लिए अल्लाह से दुआएं भी की। यानी कि जो किस्मत का सिक्का आज तक सलमान खान का चलता रहा, खैर वो सिक्का अब जो है चल नहीं पा रहा है, ये साफ तौर पर देखा जा रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर आप सभी को बता दें कि सलमान खान का अब जो है जिस तरीके से सलमान जो है अब टीवी में भी उतर आए हैं, यानी कि टीवी की इंडस्ट्री में उतर आए हैं और तमाम शोज को वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और वहां से भी कहीं ना कहीं जो है सलमान खान की उन्होंने अपना इनकम ऑफ सोर्स का जो उन्होंने साधन कर लिया है, तो ये देखने वाली बात रहेगी कि जिस तरीके से सलमान खान अब मुश्किलों में फंस गए हैं, यकीनन ये खान परिवार के लिए भी हैरान कर देने वाली बात है। क्योंकि सलमान खान एक ऐसी शख्सियत है कि मिट्टी में हाथ डाल के उसे सोना बना लेते हैं, मगर अब सलमान खान का सर ऊपर वाले के सामने झुक गया है, जहाँ पर सलमान खान दुआ कर रहे हैं कि उनकी शो की टीआरपी अच्छी रहे और जो ये शो है वो कामयाब हो। फिलहाल हम भी यही चाहते हैं कि आप इसी तरह जो है सलमान को प्यार देते रहें और अगर आपके प्यार में कमी आ गई है तो वो प्यार को आप कृपया बरकरार रखें। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, पर हाँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।